दोस्तों बात करेंगे कि कौन होगा रोमन रिंग्स का रॉयल रंबल 2022 का अपोनेंट। रोमन रिंग्स डे वन पेपर व्यू पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे, पर रॉयल रंबल 2022 पे ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच अभी से टीज और एडवर्टाइज करा जा रहा है, जिससे एक और स्पॉइलर निकल के आता है कि रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में डे वन पेपरव्यू पे हमें रोमन रिंग्स ब्रॉक लेसनर को हराते हुए दिखेंगे, पर रॉयल रंबल 2022 पे हमें रोमन रिंग्स के अपोनेंट के तौर पे ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलेंगे और ये मैच भी शायद रोमन रिंग्स ही जीतते हुए दिखेंगे, क्योंकि रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 38 तक कैरी करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। रिसेंटली सैमी ज़ेन को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे काफी ज्यादा टीवी टाइम मिलने लगा था। दोस्तों अब रूमर्स आए हैं कि केविन ओवंस के बाद सैमी ज़ेन ने भी WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है और सैमी ज़ेन ने भी बिल्कुल केविन ओवंस की तरह ही 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ रीसाइन करा। दोस्तों इसके अलावा बेली ने भी दोस्तों अपने सोशल मीडिया पे टीज करा कि उन्हें भी रेसलिंग करनी है। दोस्तों बेली के इस टीज के बाद ये साफ हो चुका कि साल 2022 के रॉयल रंबल पे हमें बेली वुमेन्स कैटेगरी के रंबल मैच में देखने को मिल सकती है और इस साल का रंबल जीतने की बड़ी दावेदार भी है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रे वायट के बारे में, जिनको जब से WWE ने रिलीज करा है ये अभी तक साफ नहीं हुआ कि WWE ने अपने इतने बड़े सुपरस्टार ब्रे वायट को कैसे रिलीज कर दिया। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रे वायट को इसलिए रिलीज करा गया क्योंकि ब्रे वायट अपनी हर एक स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे। बैक स्टेज उनकी वजह से काफी ज्यादा लड़ाई भिड़ाई होने लगी थी राइटर्स के साथ और बिस मिकमैन और ब्रे वायट के बीच में भी लड़ाई को उनके रिलीज होने की एक बड़ा वजह फिर से बताया गया। दोस्तों रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रे वायट अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न करने को भी अभी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ टाइम ले, मूवीज करें और उसके बाद ही अपनी WWE या प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि 20 दिसंबर 2021 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे हमें WWE क्या क्या दिखाएगा। दोस्तों हमें बॉबी लेशली का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे, जहां पे वो सिंपली यही कहने वाले हैं कि कैसे पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे केविन ओवन सेथ रोलिंग्स और साथ में बिग ई को उन्होंने सिंगल्स मैचेस में हराया, तो इससे साफ होता है कि WWE चैंपियनशिप बॉबी लेशली के कंधे पे ही सजनी चाहिए। इसीलिए बॉबी लेशली यही कहेंगे कि वो असली चैंपियन है और बिग ई एक नकली चैंपियन है। बॉबी लेशली को कन्फ्रंट करने के लिए हमें बिग ई, केविन ओवंस और सेथ रोलिंग तीनों ही रेसलर आते हुए दिखेंगे, जिसके बाद इन चारों रेसलर्स में हमें ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी का मैच फिन बेलर के खिलाफ देखने को मिलेगा, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी जो एक नए मंडे नाइट रॉ पे शिष्य बन चुके हैं विंस मैकमैन के, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो उन्हें ट्रेनिंग विंस मैकमैन से मिल रही है वो फिन बेलर के सामने दिखा सकें। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फिन बेलर के मैच का रिजल्ट यही रहेगा कि ऑस्टिन थ्योरी हमें फिन बेलर को हराते हुए दिखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो विंस मैकमैन को इम्प्रेस कर सकें। दोस्तों पिछले हफ्ते हमें ऑस्टिन और रेंडी ऑर्टन के बीच में भी मैच के बाद झड़प होती हुई दिखी थी, इसीलिए हमें ओटिस वर्सेस रेंडी ऑर्टन के बीच में इस मंडे नाइट रॉ पे मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओटिस और चैड केबल अब जल्दी हमें नंबर वन कंटेंडर बनते हुए दिख सकते हैं। रेंडी ऑर्टन और रिडल की रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इस मंडे नाइट रॉ पे हमें एक बड़ी अपसेट विक्ट्री होती हुई दिख सकती है कि हमें ओटिस रेंडी ऑर्टन को हराते हुए दिख सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें इस मंडे नाइट रॉ पे एक टैग टीम मैच में एजे स्टाइल्स और ओमोस फिर से अपना इनरिंग मैच हारते हुए दिखेंगे, जिसके बाद हमें फिर से एजे स्टाइल्स और ओमोस के बीच में झड़प होती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का
चैंपियंस कंटेंडर्स मैच देखने को मिलेगा। अगर इस मैच में डॉल्फ सिगलर डेमियन प्रीस्ट को हराने में कामयाब होते हैं तो डॉल्फ सिगलर को डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद यही करें कि डे वन पे पर व्यू पे हमें डॉल्फ सिगलर डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज करते हुए दिखेंगे, इसीलिए मंडे नाइट रॉ पे डॉल्फ सिगलर कैसे ना कैसे करके हमें डेमियन प्रीस्ट को इस मैच में हराते हुए दिखेंगे। दोस्तों हमें लिव मॉर्गन का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे वो बैकी लिंच को कॉल आउट करेंगी, पर दोस्तों बैकी लिंच के पिछले हफ्ते के ब्रूटल अटैक के बाद हमें लिव मॉर्गन इंजर्ड होती हुई दिखी। दोस्तों ये साफ हो जाएगा कि लिव मॉर्गन से डे वन पेपर व्यू का मैच छीना जाएगा और बैकी लिंच किसी नए अपोनेंट की डिमांड करेंगी, पर दोस्तों लिव मॉर्गन अपने चैंपियनशिप मैच में कंटिन्यू करेगी बैकी लिंच के खिलाफ और इसी का फायदा उठा के बैकी लिंच इस हफ्ते भी लिव मॉर्गन पे एक ब्रूटल अटैक करेंगी, जिसके बाद शायद लिव मॉर्गन का डे वन का मैच कैंसिल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हमें द कटिंग एज यानी कि रेटेड आर सुपरस्टार का टॉक शो देखने को मिलेगा जहां पे स्पेशल गेस्ट हैं द मिस की वाइफ मरीज, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने हस्बैंड की हरकतों की वजह से द मिस को एक चाटा लगा दिया था। यानी कि दोस्तों मंडे नाइट रॉ के शो पे हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच का एक टॉक शो देखने को मिलेगा जहां पे मरीज एच को सेटअप करने की कोशिश करेंगी जिससे द मिस एच पे अटैक कर सके। दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ पे मरीज और द मिस मिलके हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच पे भारी पड़ते हुए दिखेंगे और एच की पिटाई करते हुए भी दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे बियांका बेलियर और डुओ ड्रॉप के बीच में पता नहीं कौन सी बार बार रीमैच पे इस मंडे नाइट रॉ पे हमें फिर देखने को मिलेगा, पर हो सकता है इस बार इस मैच का रिजल्ट चेंज हो जाए और हमें डुओ ड्रॉप फाइनली बियांका बेलियर को हराती हुई दिखे। इसके अलावा दोस्तों दो बड़े मैचेस भी इस मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिल सकते हैं, बिग ई भिड़ते हुए दिख सकते हैं केविन ओवंस के खिलाफ। दोस्तों इस मैच में बिग ई केविन ओवंस को हराते हुए दिखेंगे और दूसरी तरफ बॉबी लैशली ऑलमाइटी हमें सैफ रोलिंस के खिलाफ फिर से एक सिंगल्स मैच में भिड़ते हुए दिख सकते हैं। इस मैच में दोस्तों बॉबी लैशली और सैफ रोलिंस के मैच में हमें कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि इस मैच में केविन ओवंस और बाद में बिग ई भी बॉबी लैशली और सैथ रोलिंग्स पे अटैक करते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि डे वन के पेपर व्यू से पहले फेडल फोर वे मैच में सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको है, बॉबी लैशली, केविन ओवंस, बिग ई या सैथ रोलिंग्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि WWE हमें 3 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे क्या क्या दिखाएगा। WWE ने हमें कुछ टाइम पहले ही ओमास और एजे स्टाइल्स के बीच में ब्रेकअप करके दिखाया था, दोनों की टैग टीम को तोड़ दिया था। दोस्तों ओमास ने एजे स्टाइल्स की पिटाई भी करी थी जिसके बाद मंडे नाइट रॉ पे इनका मैच भी शेड्यूल हुआ था जो कैंसिल हो गया था। दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ पे हमें ओमास वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि WWE ओमास को एक बड़ा पुश देने के लिए द फिनोमिनल वन की भेंट चढ़ा देंगे, यानी कि ओमास वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच में हमें ओमास जीतते हुए दिखेंगे। साथ में दोस्तों हमें आरके ब्रो यानी कि रॉक के टैग टीम चैंपियंस के अगले अपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहले हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो और अल्फा एकेडमी आरके ब्रो के अपोनेंट्स के तौर पे देखने को मिल चुके। WWE ने रिसेंटली सेथ रोलिंस और केविन ओवंस की भी एक टैग टीम बनाने की कोशिश करी जिसे क्राउड से अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है। दोस्तों या तो अल्फा एकेडमी या सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और केविन ओवंस मिलके हमें आरके ब्रो को रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए इस मंडे नाइट रॉ पे दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें एक मैच देखने को मिल सकता है फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक मैच मंडे नाइट रॉ पे हो चुका जिसमें फिन बैलर ने ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया था।
ऑस्टिन थ्योरी ने विंस मैकमैन को इम्प्रेस करने के लिए फिर से फिन बेलर पे अटैक करा था और इन दोनों के बीच का शेड्यूल मैच भी मंडे नाइट रॉ पे द्वारा से कैंसिल हो गया था। दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ पे हमें फिन बेलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में भी एक मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें इस बार हमें ऑस्टिन थ्योरी फिन बेलर को हराते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे द मिस एंड मरीज का भी एक सेगमेंट और प्रोमो देखने को मिल सकता है। हमें टेबल पेपर व्यू पे रेटेड आर सुपरस्टार एच की वाइफ बैथ फीनिक्स की रिटर्न होती हुई दिखी थी, जिसके बाद ये साफ हो गया था कि हमें इन दोनों पावर कपल के बीच में एक मिक्स टैग मैच देखने को मिलेगा। हमें मंडे नाइट रॉ पे द मिस और मरीज एच और पैथ फीनिक्स को चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं और इन दोनों टीमों के बीच में हमें कन्फ्रंटेशन होती भी और एक ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। साथ में दोस्तों अब हमें लिम मॉर्गन के बाद बैकी लिंच का अगला रॉ वुमेन्स चैंपियन का अपोनेंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरी उम्मीद है कि साल की शुरुआत में या तो एलेक्सा ब्लिस या ऑस्का में से कोई एक सुपरस्टार की रिटर्न हो सकती है और वो बैकी लिंच को हमें चैलेंज करते हुए नजर आ सकती है। लिव मॉर्गन को फिर से मौका अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि लिव मॉर्गन हमें शायद रॉयल रंबल 2022 जीतती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें डेमिन प्रीस्ट वर्सेस टॉप सिग्नर का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिल सकता है और दोस्तों कमाल की बात ये कि रूमर्स के अकॉर्डिंग अब डेमिन प्रीस्ट अपनी यूएस चैंपियनशिप को ड्रॉप कर सकते हैं और हमें टॉप सिग्नर जो काफी टाइम से एक जॉबर सुपरस्टार हैं, हमें वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बनते हुए दिख सकते हैं। और दोस्तों हमें 3 जनवरी 2022 के मंडे नाइट रॉ पे सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आखिर अब ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए कौन चैलेंज करेगा। डे वन पेपर व्यू पे फेडल फाइव वे मैच में ब्रॉक लेसनर ने केविन ओवंस, बॉबी लैशली, सेथ रोलिंस और बिग ई को हरा के नए WWE चैंपियन बने। दोस्तों बिग ई को ब्रॉक लेसनर का पिन करना ये दिखाता है कि बिग ई अब टाइटल पिक्चर से बाहर हो गए हैं और हमें दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के फ्यूड की तरफ अब आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों हमें बॉबी लैशली एक सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करेंगे और WWE चैंपियनशिप मैच की डिमांड करेंगे। हमें दोस्तों नंबर वन कंटेंडर मैच भी मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिल सकता है, जिसे बॉबी लैशली जीतते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद हमें बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी पहली रेसलिंग अपडेट है ड्रू मैकइंटायर की। WWE ने डे वन पेपर व्यू के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि नेक इंजरीज की वजह से ड्रू मैकइंटायर को डॉक्टर्स बैकस्टेज इवेल्युएट करेंगे, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर के फ्यूचर पे डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर अब हमें 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ एक्शन होते हुए दिखेंगे, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे हमें ड्रू मैकइंटायर नहीं देखने को मिलेंगे। ड्रू मैकइंटायर ने कई मैचेस इंजरी के साथ खेले हैं, इसीलिए ड्रू मैकइंटायर को WWE रॉयल रंबल 2022 तक अब आराम देने का भी मन बना रही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोफी किंगस्टन के रिएक्शन के बारे में, जो आया है बिग ई की WWE चैंपियनशिप मैच की हार के बाद। कोफी किंगस्टन भी ब्रॉक लेसनर से अपनी WWE चैंपियनशिप हारे थे, अब न्यू डे के दूसरे मेंबर बिग ई भी अपनी WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर से ही हारे। कोफी किंगस्टन ने अपने भाई बिग ई की चैंपियनशिप हार पे सोशल मीडिया पे अपना रिएक्शन दिया और एक सिंगल इमोजी यूज करी, जिसमें साफ दिख रहा है कि कोफी किंगस्टन काफी ज्यादा सैड हैं और अपने भाई के WWE चैंपियनशिप हारने पे अफसोस जता रहे हैं।
दोस्तों इसके अलावा बैकी लिंच ने बैक फीनिक्स को चैलेंज करा, जिन्होंने रिसेंटली टेबल पेपर व्यू पे अपने हस्बैंड रेटेड और सुपरस्टार एच की मदद करने का फैसला करा। बैकी लिंच ने बैक फीनिक्स को ओपनली चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई मैच लड़ाई करने का मन है तो मैं अवेलेबल हूँ। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच भी बैकी लिंच ने बैक फीनिक्स को ऑफर करा। अब दोस्तों बात करते हैं रोमन रिंग्स के बारे में। रोमन रिंग्स का डेवन पेपर व्यू का मैच ब्रॉक लेस्टर के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया, जब कोविड-19 की वजह से रोमन रिंग्स पॉजिटिव पाए गए और इस मैच को हटा दिया गया। इस मैच के बाद अब रोमन रिंग्स की रिटर्न पे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। द ब्लड लाइन के जे और जिमी उसो ने रोमन रिंग्स की हेल्थ अपडेट देते हुए रिवील करा कि इस वक्त रोमन रिंग्स को आराम करने की जरूरत है। रोमन रिंग्स आराम कर रहे हैं अपने घर पे। साथ में उन्होंने कहा कि अगर इस इंफेक्शन के दौरान आराम नहीं करा जाए तो इंफ्लामेशन बॉडी में बनती है, इसीलिए रोमन रिंग्स को अभी आराम करने की जरूरत है। रोमन रिंग्स अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं और हो सकता है जल्द ही अगले हफ्ते हमें रोमन रिंग्स की रिटर्न भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिमी और जे उसो का कहना है कि रोमन रिंग्स को कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है। तो दोस्तों अब हम आपसे इस वीडियो में बस यही कहना चाहेंगे कि आप रोमन रिंग्स को गेट वेल सून कह सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं रोमन रिंग्स की जल्दी रिकवरी के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।